हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है मेरे चैनल पे। और ये ब्लॉग जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉग है, क्योंकि बहुत सारी ट्रेजेडी हुई है मेरे साथ। और जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता होगा कि मैं बीएड कर रही हूँ संत मानसिंह कॉलेज जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से। और 3 दिन पहले ही मैसेज आया है ग्रुप पे कि एग्ज़ाम है तो सारी फाइल्स रेडी करनी है। वो कहते हैं ना फाइनल टचअप, क्योंकि रिटर्न वर्क हो चुका था, फाइलिंग वगैरह नेमिंग करना ये सब चीज़ें बाकी थी। तो मैं वही अभी बाहर जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास फाइल नहीं थी तो सारा फाइल लेना था, जेरोक्स करवाना था, तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें रह गई थी, काम रह गया था, वो सब करना ज़रूरी था। और मेरा ना टिकट नहीं हो पाया, मेरा टिकट वेटिंग में रह गया है। वो सब मैं शेयर करूँगी, तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, स्किप कहीं नहीं कीजिएगा। और सबसे पहले पैकिंग में तो मैं मेरे बेबी का पैकिंग करूँगी, क्योंकि बच्चे का कुछ भी छूटना नहीं चाहिए और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें पैक करनी होती है। और ये रहा फाइनल पैकिंग, जहाँ पे मेरे पास ये एक बैग है, ट्रॉली है और अपना सेल्फ बैग जो होता है वो, और निकल पड़े हम लोग सफ़र के लिए। एक्चुअली जो ट्रेजडी हुई है वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी बाद में। फ़िलहाल तो हम लोग पटना एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। काफ़ी एक्सपेंसिव टिकट हुआ, 14,000 सिर्फ टिकट हुआ है पटना टू दिल्ली का। पटना से हमारी फ़्लाइट थी, जिसमें मैं, मम्मी और बाबू 3 लोग थे। बाबू का भी फेयर लगा है वैसे, तो अभी पहुँच गए पटना एयरपोर्ट पर। कितने बजे की फ़्लाइट थी हमारी? 9 बजे की फ़्लाइट। पूरे लिपस्टिक ख़राब हो गया गाइज़, बस इतना ज़्यादा वॉमिटिंग हुआ है गाड़ी में, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुआ है। वॉमिट करते करते आई हूँ, 2-3 बार वॉमिटिंग हो गया, पूरा ऐसा लग रहा है ना गला छिल गया है। तो अभी गई थी मैं टिकट काउंटर पे, जहाँ पे थोड़ा पता करना था मम्मी के लिए व्हील चेयर अगर अवेलेबल हो जाता तो अच्छा रहता। अभी पहुँच गए दिल्ली एयरपोर्ट पर, मम्मी यहाँ वेट कर रही थी। यहाँ पे है व्हील चेयर, मिल जाता है तो ईजी रहेगा मम्मी के लिए भी और बाबू के लिए भी। तो अभी सामान यहीं पे, पहले उन्होंने कहा कि यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, उसके लिए वेब चेक इन पहले करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे वो मिल जाएगा वहाँ पे। तो अभी जा रही हूँ अंदर वेब चेक इन के लिए, और एकदम झटपट में सारी चीज़ें हुई है ना। सुबह क्या हुआ ना कि 1 बजे खाना खाकर निकली मैं, और तुरंत खाना खाया, फिर पैकिंग वैकिंग किया 1-2 घंटे में, फिर निकल पड़े, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया। खैर कोई नहीं, चलिए अंदर चलते हैं, तो पूरा मैं वीडियो शूट करते रहूँगा, दिखाऊंगी आप लोगों को। एक्चुअली मेरी मम्मी को थोड़ा सा चलने में प्रॉब्लम होता है, घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए मैं चाह रही थी कि ट्रॉली सॉरी व्हील चेयर मिल जाए तो आसान रहता, मम्मी को बहुत मदद हो जाता। बट मम्मी बोली कि नहीं मैं चल लूँगी, मुझे चल के जाना है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी बहाने मम्मी एयरपोर्ट भी देख लेगी, समझ लेगी सब कुछ, कि कभी अकेले भी मम्मी को ट्रैवल करना पड़ा तो कर सकते हैं। और आते टाइम भाभी ने सारा खाना पैक किया था, तो हम लोग वही खाने बैठे हैं अभी। तो गाइस अभी यहाँ पे खाना खाया जा रहा है, सामने में हंगर है, बट हम लोग खाना लेकर आए थे क्योंकि अभी ट्रैवल करना है तो बाहर का खाना नहीं खाए। एयरपोर्ट तो जल्दी पहुंच गए थे और बोर्डिंग भी बहुत जल्दी हो गया था, क्योंकि सारे पैसेंजर आ गए थे। और ये रहा हमारा बोर्डिंग टिकट, 3 टिकट तीनों लोगों का। और स्पाइस जेट से हमारी फ़्लाइट है दिल्ली के लिए। और क्या हुआ ना कि मैं जब चेक इन कर रही थी तो व्हील चेयर के लिए पूछना ही भूल गई, क्योंकि क्या हो रहा था ना, एक टाइम पर मुझे 10 चीज़ें हैंडल करनी पड़ रही थी सिचुएशन वाइज, तो दिमाग से स्लिप आउट हो गया। बट मैं रिक्वेस्ट करा जाकर वहाँ पर, तो जो क्रू मेम्बर है वो मेरी बात को समझे, और उसके बाद तुरंत व्हील चेयर का अरेंजमेंट किया। क्योंकि क्या होता है ना, व्हील चेयर के लिए बोर्डिंग के टाइम पे ही बोला जाता है, वो वहीं पे बोलकर फिर वो प्रोवाइड कराते हैं। व्हील चेयर इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मेरी मम्मी को सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है, तकलीफ़ बढ़ सकती है घुटनों के दर्द की, और अभी पूरा सफ़र बाकी है, तो मैं नहीं चाहती कि किसी भी मोमेंट में मम्मी को कोई परेशानी आए, क्योंकि मम्मी और बच्चा दोनों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में खुद का भी ख्याल रखना है, तो सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखना मेरा फ़र्ज़ है और ध्यान रखना भी पड़ेगा। तो इसलिए बहुत रिक्वेस्ट किया मैंने क्रू मेम्बर से, तो अरेंजमेंट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और फिर यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई दिल्ली के लिए। और गाइज आप लोग समझ सकते हैं कि सेल्फ ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, थोड़ा
बहुत दिक्कतें आ रही थी क्योंकि खुद ही ब्लॉगिंग भी करना है, खुद का ब्लॉगिंग भी करना है, चीज़ों को हैंडल भी करना है, सफ़र भी करना है, बच्चे को भी संभालना है, तो ये सारी, तो कहीं पर भी अगर कुछ भी वीडियो शूटिंग में प्रॉब्लम आई हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट मैं कोशिश किया कि जितना हो सके मैं अच्छा वीडियो शूट करूँ आप लोगों के लिए। और ये है साइड व्यू, और जैसा टेक ऑफ के टाइम और लैंडिंग के टाइम पे हर एयरलाइंस में शो किया जाता है इंटरनल लाइट ऑफ करके, तो और एयरलाइंस की अपनी बस होती है टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम, दोनों पे ही वो बस फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं फ्लाइट तक जाने के लिए भी और फ्लाइट से वापस एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए भी। और गाइस बीच बीच में मैं आप लोगों से मेरे जर्नी की जो सरकमस्टांसेस हैं वो सब शेयर कर रही हूँ। तो एक्चुअली मेरी फ़्लाइट थी, हमारी फ़्लाइट थी 29 मार्च को पटना से 9 बजे, और दिल्ली एयरपोर्ट पे बिफोर टाइम आ गई थी और 10:15:20 को लैंड कर गई थी। फिर उसके बाद मुझे 15-20 मिनट थोड़ा क्रू मेंबर से रिक्वेस्ट करने में लगा कि व्हीलचेयर का अरेंजमेंट कर दे, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट थोड़ा बड़ा है तो मम्मी को ज़्यादा चलना पड़ेगा तो ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है, तो उसमें टाइम लग गया। फिर एयरपोर्ट के अंदर पहुँचते पहुँचते 10:30-10:45 ऐसे हो गया, फिर फ्रेश फ्रेश हुए, फिर ये बेल्ट है जहाँ से लगेज कलेक्ट किया जाता है, तो हमारा जो लगेज कलेक्ट करने का बेल्ट था वो है 7 नंबर। और अभी यहाँ पे मैं बाहर वेट कर रही हूँ मम्मी का वॉशरूम के बाहर, क्योंकि हम दोनों को ही फ्रेश होना था, तो पहले मम्मी गई मैं बाबू को पकड़ी थी, फिर मैं गई तो मम्मी बाबू को पकड़ रही थी। और के वॉशरूम में हूँ और मेरा कुर्ता यहाँ से फट गया है, बताओ। तो गाइस मुझे मैंने सोचा चलो बाथरूम में भी ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, और जहाँ पे भी हो रहा था, जहाँ पे भी मेरे लिए पॉसिबिलिटी थी वीडियो क्लिप शूट करना या ब्लॉग शूट करना, तो मैं कर ले रही थी। और फिर यहाँ से हम लोग निकल पड़े, ये भैया हैं मतलब स्पाइस जेट के जो क्रू मेम्बर से उन्होंने ही इनको रिक्वेस्ट किया था, तो व्हील चेयर का अरेंजमेंट हो गया, तो इससे क्या हो गया मेरे लिए थोड़ा आसानी हो गया कि मैं ब्लॉग भी प्रॉपर तरीके से शूट कर पा रही थी, और बाबू और मम्मी एक साथ फिर एग्ज़िट पॉइंट तक चले जाएंगे, कोई दिक्कत। और उस फ्लाइट के ना सिर्फ हम दोनों ही पैसेंजर लेट बचे हुए थे, सब लोग निकल चुके थे क्योंकि हमको वॉशरूम वगैरह में टाइम लग गया था, और हमारा ही लगेज वो बेल्ट पे घूम भी नहीं रहा था, बेल्ट से उतार कर नीचे रखा हुआ था, किसी ने रख दिया होगा और बेल्ट का मोमेंट बंद था। और जैसे जैसे बाहर निकल रहे थे तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि मैं फ़्लाइट से पहले ट्रैवल करी हूँ बट दिल्ली एयरपोर्ट पे मैं फ़र्स्ट टाइम एग्जिट कर रही हूँ, तो कुछ आइडिया नहीं था वहाँ का। तो गाइज एक्चुअली हम लोग अभी एग्जिट एरिया में बैठे हुए हैं, मतलब काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है, बैठा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बस मच्छर बहुत ज़्यादा है। और यहाँ से जाने वाली थी मैं भाभी की कज़िन सिस्टर के यहाँ, बट टाइम हो रहा है अप्रॉक्स 11, वैसे फ़्लाइट बिफोर टाइम थी बट एग्ज़िट वगैरह करते करते थोड़ा पूछते पूछते थोड़ा टाइम लग गया, तो 11 बज रहे हैं और वो रहते हैं गाज़ियाबाद में, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है नाइट में ट्रैवल करना, मैं और मम्मी है ना दो लोग हैं, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ट्रेन है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, तो अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, फिर वहाँ पे होटल देखते हैं, फिर वहाँ का बताऊँगी सब, दिखाऊँगी आप लोगों को सब, मतलब शेयर करूँगी आप लोगों से कि कैसे कहा क्या रहा। तो फ़िलहाल ये डिसाइड हुआ कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, समझ सकते हो। सॉरी दीदी अगर आप मेरा वीडियो ये देख रहे हैं, तो आई एम रियली सॉरी, बड़ा मन था आपके पास आने का, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से थोड़ा डर लग रहा है, तो इसलिए नहीं आ पा रहे, कभी और आएंगे, ज़रूर आएंगे आपके पास। तो गाइस दिल्ली एयरपोर्ट पे ही गवर्नमेंट का कैब फैसिलिटी होता है, तो मैंने वही ज़्यादा प्रेफर किया लेने का इन कंपेयर टू ओला उबर, क्योंकि ओला उबर मैं पुणे में रहती थी तो ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट दिल्ली में मुझे नाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा, डर लग रहा था, तो गवर्नमेंट का ले लिया। फिर वहाँ से पहुँचे दिल्ली रेलवे स्टेशन, तो पता चला कि लॉन्च फैसिलिटी बंद है, तो फिर क्या किया जाए। फिर मैंने गोआई वीवो से होटल बुक किया पास में, एकदम पास में, और फिर वहीं पे नाइट स्टे किया, खाना वाना खाए। फिर सुबह हमारी ट्रेन थी ग्वालियर के लिए सुबह 6 बजे, और एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन से
जो हमारा होटल था वो हार्डली 5 मिनट की दूरी पे था, तो 5:30 तक रेडी वगैरह होकर हम लोग निकल गए। तो ये रहा दिल्ली तक का सफ़र, और यहाँ के आगे क्या हुआ वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। यानी कि मैं ये वाले ट्रिप को दो पार्ट में लेकर आने वाली हूँ, तो देखिएगा जो